मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज सुबह एक भीषण हादसा हुआ जिसमें एक युवती जिंदा चल गई। हादसा इतना विभत्स था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विस्फोट के बाद युवती का केवल कंकाल मिला। इस हादसे में 22 अन्य भी घायल हुए जिनका इलाज के लिए इंदौर भेज दिया गया। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी की खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है, साथ ही इन सड़कों को एक पखवाड़े में दुरुस्त करने को कहा है। इसके अलावा मोती मंदिर से कलश चोरी करने वाले आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम नेपाल बिहार बॉर्डर से पकड़कर लाई है, तो वे राजधानी में दीपावली के बाद छठ पूजा पर्व की तैयारी जोर शोर शुरू हो गई है। इसके अलावा राजधानी में आज गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। खरगोन में बुधवार तड़के पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर पलट गया। इस दौरान वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई, तभी टैंकर में जोरदार ब्लास्ट होने से भयावह हादसा हो गया जिसमें 20 साल की युवती का केवल कंकाल ही बचा, साथ ही वहां मौजूद 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा बिस्टान थाना क्षेत्र के मोगर गांव गड़ी मार्ग पर स्थित ग्राम अंजन गांव में हुआ। यहां टैंकर टर्न पर अनियंत्रित होकर पलट गया, ड्राइवर और क्लीनर फरार है। टैंकर झिरनिया जा रहा था, टैंकर पलटने से करीब 2 घंटे बाद धमाका हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 7 बच्चे और 13 महिला पुरुष शामिल हैं। 8 लोग गंभीर हैं जिन्हें इंदौर रेफर किया गया। BPCL के टैंकर पलटने की सूचना हुई थी, उस पर पुलिस स्थानीय पुलिस पहुंच के उनको सीधे रेस्क्यू करके अस्पताल ले आए हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो बेस्ट इलाज होगा वो करेंगे। हमने BPCL के अधिकारी जो इंदौर में उनको भी बताया है। ये दुखद घटना है लेकिन पहली प्राथमिकता है कि इनका प्रॉपर इलाज हो जाए। राजधानी भोपाल की खराब सड़कों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। सीएम ने बुधवार सुबह BCM में इसका जिक्र करते हुए कहा है कि एक पखवाड़े के अंदर शहर की सभी सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया जाए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि पुराने शहर के शाहजहानाबाद और अन्य क्षेत्र से गुजरने पर वहां की सड़कों की खराब हालत उन्हें पता चली है। सीएम ने साथ ही कहा कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी भोपाल की सड़कें इतनी खराब होंगी। कल मैं अचानक भोपाल निकला था और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब सम्मिलित है, हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहानाबाद से होते हुए मैं आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी। उधर सीएम के नाराजगी के बाद निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भी इसी बात को दोहराया है कि जो अधिकारी काम करने की स्थिति में नहीं है वो राजधानी में रहने के लायक नहीं। सड़कों के मामले को लेकर किशन सूर्यवंशी ने सीएम का आभार जताते हुए कहा है कि सीएम ने जब वहां का दौरा कर स्थिति को जाना है तो उम्मीद है कि अधिकारी सड़कों को सही समय पर दुरुस्त करने का काम करेंगे। देखिए, जो अधिकारी गंभीर नहीं है भोपाल के विकास के प्रति, काम के प्रति, उनकी छुट्टी भी तय होगी, क्योंकि राजधानी है। यहाँ पर केबल टेबलों पर बैठ करके ऑफिसों में एसी रूम में बैठने के लिए आप नहीं हैं। राजधानी के अनुरूप आपको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा और जो इसमें कोताही बरतेगा इस प्रकार के लोग यहाँ नहीं टिक पाएंगे। भोपाल की 160 साल पुरानी मोती मस्जिद के मीनार से चोरी हुए कलश मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अंजार नाम के आरोपी को बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कलश को चुराकर सेंट्रल लाइब्रेरी के पहले नाले में छुपा दिया था और बिहार भाग गया था। पुलिस को CCTV कैमरे की मदद से आरोपी के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच कोतवाली और तलैया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी, उसे किसी ने बताया था कि मस्जिद पर लगा कलश सोने का, जिसके बाद आरोपी ने चोरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से इस मामले में अन्य लोगों को शामिल होने की आशंका के बारे में पूछताछ कर रही है। दूसरा होता है आरोपी को पकड़ना, तीसरा होता है कि माल की रिकवरी कराना। अब मैं ये नहीं, मैं अपने बच्चों में मैं कोई ये नहीं करूँगा या आप DCP साहब बैठा है कि कौन ने क्या किया करके। ये 5-6 लोगों का हमने नाम बताया, 6 लोग हैं। एक हमारे साइबर के भी Zone 3 के जो साइबर के एक्सपर्ट है मोहन जो है, और ये जो थाने के दोनों थाने के लोग और क्राइम ब्रांच के लोग, ये जो 6 लोग हैं इनने मिलकर पूरी एंड टू एंड कार्रवाई की है। तो हमें वी आर वेरी प्राउड ऑफ दम कि ऐसे चीज़ों को अगर 15 दिन में निकालता है, बिल्कुल ब्लाइंड बात थे उसको निकाल। राजधानी के 5 नंबर स्थित घाट की हालत काफी खराब है, लिहाजा निरीक्षण के लिए जब निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने दौरा किया तो तत्काल अधिकारियों को निर्देशित कर साफ सफाई शुरू करवाई। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी घाट पर अव्यवस्था रहने नहीं दी जाएगी, साथ ही हर हाल में शहर के सभी छठ पर्व मनाने वाले घाटों की साफ सफाई समय पर करवाई जाएगी। 5 नंबर छठ घाट पर बहुत बड़े श्रद्धालुओं के द्वारा बड़ी संख्या में छठ माई की पूजा की जाती, अर्चना की जाती है और बड़ी संख्या में वहाँ पर धर्मावलंबी आते हैं। इसके संबंध में आज मैंने वहाँ निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई से लेकर के बाकी अन्य निर्देश दिए हैं कि उसके तैयारी के संबंध में समस्त व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर। उधर राजधानी में गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आधुनिक परिस्थितियों के संदर्भ में गोवर्धन पूजा पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गई, क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, क्लाइमेट चेंज के संकट से हम भुगत रहे हैं, वैसा इससे पहले कभी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा, इसलिए हम गोवर्धन पूजा के माध्यम से सारे समाज को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण बचाओ। आज का कार्यक्रम इसी संदर्भ में करवाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि गोवर्धन पूजा मतलब पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक खेती को भी हम जोड़ रहे हैं और गोवंश के संरक्षण को भी हम इससे जोड़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि गोवर्धन पूजा कार्यक्रम पर्यावरण करेगा। गोवर्धन पूजा सभी 52 जिलों में होगी।
आधुनिक परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में, आधुनिक संदर्भों में गोवर्धन पूजा पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि आज जैसा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, क्लाइमेट चेंज के संकट को हम भुगत रहे हैं, वैसा इसके पहले कभी नहीं रहा। आज तो धरती के अस्तित्व पर ही संकट के बादल छाए हुए हैं।